हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टर्टीज रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं गर्मा गर्म समोसा, लेकिन घर पर ही कुछ नई ट्रिक के साथ, जिसके वजह से हमारा समोसा एकदम ही बाहर जैसा बनेगा और खाने में भी बहुत मजा आएगा। तो आइए बनाते हैं समोसा। बहुत सारे मसाले लिए हैं मैंने और उसके साथ लिया है आलू। मैंने 1 किलो आलू लिया है, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर दिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद हम आलू को अच्छे से धो के उसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो पूरा निकाल लेंगे। 2 से 3 पानी से धोने के बाद हमारा पानी जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आलू का पूरा स्टार्च हम निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, रेडी है आलू को काट के एकदम स्टार्च निकाल के और फ्रेश पानी से धोने के बाद। उसके साथ मैंने लिए हैं पुदीना, धनिया है, ग्रीन मटर है, ग्रीन मिर्ची है, हरी मिर्ची लेनी है 3 बारीक टुकड़ों में काटी हुई, और बहुत सारे सूखे मसाले हैं, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन है, कसूरी मेथी है, ब्लैक पेपर है कुटा हुआ, मसाला है गरम मसाला, अखा वाला धनिया है, नमक, आमचूर पाउडर, जीरा, और बेस के लिए मैदा और तेल लेना है हमें तड़के के लिए। फ्रेंड्स, समोसे के लिए मसाला बनाते हैं तो सबसे पहले मैं आलू को पकाऊंगी। नॉर्मली बाहर जो समोसा मिलता है उसके अंदर बॉइल्ड आलू यूज किया जाता है, और हलवाई लोग जो समोसा बनाते हैं वो उसका मसाला सुबह से प्रिपेयर करते हैं। इसकी वजह से उसमें जो मसाले का पूरा स्वाद है वो अच्छे से घुल जाता है, लेकिन हम घर पे फटाफट बनाते हैं, जल्दी से मसाला बनाया और जल्दी से समोसा फ्राई कर दिया, तो क्या पूरा स्वाद जो है वो मसाले का हमारे आलू में नहीं घुलता है। इसीलिए मैं आलू को पहले कुक करूंगी, मसाले के साथ ही कुक करूंगी, तो अच्छे से हमारा मसाला आलू में घुल जाएगा। मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके अंदर ऐड करेंगे हम जीरा, और जीरा फूटने के बाद हम कवर करके ऐड करेंगे थोड़े से आलू, ताकि ऑयल के छींटे आसपास ना उड़े। धीरे धीरे हम सारे आलू पानी से निकाल के ऐड कर देंगे। आलू को ऐड कर दिया है पानी से निकालने के बाद, और उसमें ऐड करेंगे नमक, 1 चम्मच जितना नमक है, और आधा चम्मच हल्दी यूज किया है मैंने। बस इसे मिक्स करके बिना पानी ही हमें कुक करना है। थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। मीडियम आंच पे इसे हम कवर करके कुक करेंगे अराउंड 10 मिनट तक, और जब तक आलू कुक होता है तब तक हम समोसा का आउटर लेयर मतलब पर्ड जो है वो रेडी करते हैं। समोसा का पर्ड एकदम ही क्रिस्पी और क्रंची होगा तो ही समोसा खाने का मजा आता है। इसके लिए मैंने लिया है मैदा, और उसके अंदर मैं ऐड करूंगी घी। 500 ग्राम मैदा है तो 150 ग्राम जितना घी है, लेकिन मैं घी को एकदम ही गर्म करके ऐड करूंगी ताकि इसके अंदर खस्ता बनाए। तो मैं घी को गर्म रखती हूँ। और जैसे ही घी एकदम ही गर्म होता है उसके बाद ऐड करूंगी, तब तक हम मैदे के अंदर ऐड करते हैं अजवाइन। अजवाइन लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून जितना, और इसे हम हाथों में क्रम्बल करके ऐड करेंगे। नमक ऐड करना है 1 चम्मच जितना, 1 चम्मच नमक। अजवाइन और नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है तो ऐड करते हैं घी। डालते ही एकदम ही जो मैदा है वो अच्छे से फ्राई होने लगेगा।
उसकी वजह से समोसा का जो आउटर लेयर है, पर है, उसमें एकदम ही खस्तापन आएगा। तो बहुत ही गर्म घी हमने ऐड किया है, इसीलिए हम हाथों से नहीं मिक्स करेंगे, पहले अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद हम हाथों से मिक्स करेंगे। अभी हम हाथों से अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं अच्छे से बाइंड हो रहा है आटा। वही हिसाब से हमें मोंड जो है वो चाहिए और एकदम ही टाइट डो बनाना है हमें पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और डो प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं एकदम ही टाइट डो बनकर रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने आधा कप पानी का यूज किया था और अच्छे से मिक्स होके ये रेडी है। बस इसे रेस्ट देते हैं, कवर करके इसे छोड़ देते हैं जब तक हमारा समोसा का फिलिंग नहीं रेडी होता तब तक। अभी हम आलू को देखते हैं, आलू की पोजीशन क्या है। आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं आलू। तो बस यही टाइम है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारे मसाले। अब तक हम मसाला रेडी करते हैं तब तक इसे हम कवर करके छोड़ देते हैं। एक मिक्सर जार में हम पुदीना अराउंड मैंने 8 से 10 डंठल पुदीना लिया है और थोड़ी धनिया पत्ता को भी हम पेस्ट करेंगे और 3 हरी मिर्च है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले इसे हम पेस्ट करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। 3 चम्मच जितना पानी ऐड करके हम इसे पेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पानी हमें यूज नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने दरदरा कूट लिया है। इसके बाद हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे। ये है काला मरीका पाउडर अराउंड 1/2 टेबल स्पून जितना, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून जितना, आमचूर पाउडर है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर जो आप यूज करते हैं, तो अगर आप ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और धनिया जीरा पाउडर है 1/2 टेबल स्पून जितना। ये सारे सूखे मसाले हम मिक्स करने के बाद लास्ट में 1/2 टर्न करेंगे मिक्सर को, जिसमें हम डालेंगे धनिया, अखा धनिया है उसे हम दरदरा कूट लेंगे, तो लास्ट टर्न में ऐड करेंगे ताकि वो ज्यादा कूट ना जाए, मिक्स ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप एकदम ही मस्त रेडी हो गया है। जैसे मैंने बताया था मैंने धनिया एकदम लास्ट में ऐड किया है ताकि वो एकदम ही बारीक नहीं हुआ है और जब ही खाने के समय ये मुंह में लगेगा भी सही। तो ये सारा सूखा मसाला हम ऐड करेंगे आलू के अंदर और अच्छे से आलू के अंदर इसे मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स आलू के अंदर हमें मिक्स करते जाना है और आलू को जो है वो मैश भी करते जाना है ताकि जो हमारा मसाला है फिलिंग जो है वो अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ रेडी हो जाए। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम बॉइल्ड मटर और कसूरी मेथी। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद ये टाइम है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से घुल जाए। बस हमें 2 बार छिड़कना है पानी को और उसे कवर करके वापस कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और जब भी ऑयल जो है उसमें से रिलीज हो जाएगा तो बस हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स रेडी हो गया है हमारा मसाला, गैस को टर्न ऑफ करते हैं और एक बार खोल के देख लेते हैं। अब देख सकते हो एकदम ही मस्त कलर और खुशबू, तो फ्रेंड्स लाजवाब है। तो बस इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद हम समोसा प्रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा एकदम टाइट डो रेडी हो गया है और हमारा फिलिंग भी रेडी है। तो बस जस्ट प्रिपेयर करते हैं समोसा।
समोसा बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा लोई लेंगे और उसमें से हम पूरी बेलेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एकदम क्रम्बल इफेक्ट आ रहा है उसकी साइड्स पे, जो एकदम ही परफेक्ट टेक्सचर है समोसा का लेयर्स के लिए। तो बस थोड़ा सा पतला करेंगे और उसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बस ऐसे ही सारी हम लेयर्स रेडी करते हैं और उसके बाद हम समोसा का फिलिंग रेडी बनाते हैं। फ्रेंड्स जो हमने लेयर बनाया था उसको हम समोसा शेप देंगे। समोसा शेप देने के लिए हमें ये टाइप से प्रिपेयर करना है और इसे हम चिपकाएंगे पानी से। एक उंगली पानी से गीली करेंगे और इसे हम चिपकाएंगे। अच्छे से प्रेस करना है। अगर ये प्रॉपर चिपका नहीं तो फ्राइंग के टाइम पे समोसा जो है वो खुल सकता है, इसीलिए हम अच्छे से प्रेस करके इसे चिपकाएंगे। फ्रेंड्स ये वाला जो कट किया है मैंने लेयर, उसे मैंने गोल बेला था। तो गोल बेलने की वजह से क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा फिलिंग का पार्ट लिया मैंने और इसके ऊपर मैं ऐड करती हूँ 2 से 3 दाने कच्चे वाले मूंगफली के और इसे हम कवर करने जाते हैं। तो हम कवर करेंगे, जब भी हम कवर करेंगे तो समोसा जो है वो फ्लैट होगा। जो समोसा हमें मुड़ा हुआ उसका पेट निकला हुआ समोसा रहता है, जो एक शेप में बैठा हुआ रहता है, वो क्लियर नहीं होगा हम अगर गोल लेयर का पूरी बेलेंगे तो। इसके लिए हमें क्या करना है, ये तो समोसा हमारा प्रिपेयर हो गया। हम बनाते हैं दूसरा लेयर के लिए दूसरा, और उसे हम बेलते हैं ओवल शेप में। हम गोल नहीं बेलेंगे, जैसे हम नान बेलते हैं वैसे लंबा बेलेंगे। उसकी साइड्स हमें चाहिए, चौड़ाई हमें चाहिए, लेकिन चौड़ाई की दुगनी लंबाई चाहिए हमें। लंबाई में पूरी ज्यादा लंबी चाहिए। तो फ्रेंड्स यही हिसाब से ध्यान रखिएगा, जितनी चौड़ाई है उससे दुगनी हमें लंबाई चाहिए। ये लेयर हम काटेंगे बीच में से, जहां से हमारी चौड़ाई जो कम है वो हिस्से से हम काटेंगे और इसकी वजह से हम समोसा का पेट बना पाएंगे। तो इसे हम अच्छे से स्टिक करते हैं 1 साइड पानी से। पानी लगा के सिंगल साइड का जो है वो स्टिक कर दिया। इसके अंदर हम फिलिंग भी वही हिसाब से भरेंगे जो हिसाब से हमने पहले भरा था। मूंगफली के दाने भी डालेंगे और इसे हम पहले जो हमारी गोलाई है, जो हमारी ये लंबाई है, ये साइड से हम कवर करेंगे। एक प्लेट्स लेंगे, प्लेट्स लेने से हमारा समोसा जो है वो शेप में बैठेगा। आप देख सकते हैं समोसा जो है वो अच्छे से बैठ गया है और ये समोसा हम साइड में रखेंगे तो ये कभी बैठ नहीं पाएगा। तो यही ट्रिक से, यही रीत से समोसा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा, एकदम ही टेस्टी और बाहर जैसा समोसा बनेगा। तो ऐसे ही सारे समोसा प्रिपेयर करेंगे और हम इसे फ्राई करेंगे। जब तक हम दूसरे समोसा फिल करके रेडी करते हैं, तब तक हम ऑयल को हीट करने के लिए रखेंगे। और समोसा फ्राई करने के लिए हमें पहले एकदम कम आंच चाहिए, मतलब ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही कम चाहिए। और उसके बाद हमें फ्राई अच्छे से होने के बाद फिर हमें टेम्परेचर बढ़ा के उसका कलर लाना है। जो ब्राउन कलर समोसा आता है वो कलर हमें टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मिलेगा। फ्रेंड्स हमने समोसा जो है प्रिपेयर करके रेडी कर दिए हैं।
और हमारा ऑयल भी है जो हल्का हल्का आंच हमें गरम लगता है। तो बस हम गैस को एकदम स्लो करेंगे और हल्की आंच पे हम पहले समोसा फ्राई करेंगे। धीरे धीरे ऐड करेंगे समोसा और इसे एकदम ही धीरे धीरे डीप फ्राई होने देंगे। तब तक हम दूसरे समोसा भी प्रिपेयर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हल्का हल्का जो है वो क्रिस्प होने लगा है, जो हमारा लेयर है वो समोसा का। बस हम अभी गैस को फास्ट करेंगे और हाई हीट पे हम इसे ब्राउन करेंगे। हम अगर पहले से ही गैस को फास्ट रखेंगे और हाई हीट पे इसे ब्राउन करेंगे तो उसके लेयर के ऊपर ना बबल्स आने लगेगी, जिसकी वजह से हमारा समोसा का टेक्सचर जो है वो बिगड़ जाएगा। अगर हम स्लो हीट पे पहले फ्राई करेंगे, लेयर को जो कड़क करेंगे, उसके बाद हम उसे कलर के लिए हाई हीट पे फ्राई करेंगे तो समोसा का लेयर एकदम ही प्लेन और एकदम ही क्रिस्पी बनेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम ही गोल्डन ब्राउन कलर रेडी हो गया है समोसा का। तो बस इसे हम बाहर निकालते हैं तेल से। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप एकदम ही खस्ता समोसा जो है वो रेडी हो गया है और एकदम ही क्रम्बल का आवाज आ रहा है। और आप देख सकते हैं एकदम ही क्रिस्प जो है वो उसका आउटर लेयर रेडी हो गया है। अगर हम इसे बाइट करेंगे, कट करेंगे, तो भी एकदम ही बिस्किट जैसा आउटर लेयर समोसा का रेडी है। तो बस इसे सर्व करते हैं तीखी चटनी और मीठी चटनी के साथ। गर्मा गर्म समोसा रेडी है। तो फ्रेंड्स, रेडी है गर्मा गर्म समोसा। फ्राइंग के लिए अराउंड हमें 15 से 17 मिनट लगेगा। 5 से 7 मिनट तक हमें इसे एकदम स्लो आंच पे फ्राई करना है और उसके बाद बाकी के मिनट्स हमें इसे एकदम हाई आंच पे, ताकि जो हमारा समोसा है उसका लेयर एकदम ही मस्त क्रिस्पी और अच्छे से बाहर जैसा रेडी हो। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरा चैनल 30's रेसिपी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। लेकिन फ्रेंड्स, कमेंट में शेयर करना भूलिएगा नहीं आपके एक्सपीरियंस। थैंक यू।